जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर एक और सामने निकल कर आ रही है, जो कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन और राशन कार्ड के लिए नया नियम, घर बैठे होगा ये काम। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 3 लाख गरीबों लोगों को तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया है। सभी लाभार्थियों को डाटा आयुष्मान भारत पोर्टल अपडेट कर दिया गया है और जल्द ही इन्हें कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यतन योजना के तहत 10,000 गरीब युवाओं को ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना वृद्धावस्था पेंशन तथा राशन कार्ड बनवाने का काम परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, जिससे लोगों को घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हरियाणा निवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए है। इस दौरान सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मंत्री, सांसद, विधायक और उपायुक्त ने लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र सौंपे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उद्यतन योजना के लाभार्थियों को इंदिरा देवी, पूजा रानी, राजेंद्र कुमार, सीमा और मुस्कान को ऋण स्वीकृत पत्र दिए, जिससे वे खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय 2,49,000 परिवारों की पहचान की गई है। इन परिवारों को आय बढ़ाने के लिए 2 चरण में 156 स्थानों से लेकर के 570 मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहे, आप सभी लोग हमारे साथ हमारे वीडियो देखें।